तो हाय फेलो यूअर्स, टेंगो इट्स। सो गाइस, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का आज के दिन ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। लेकिन लॉन्च के सिर्फ 2 घंटे के बाद अभी क्राफ्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि डाटा ट्रांसफर सर्विसेज को वो लोग टेम्परेरी शटडाउन करने वाले हैं। एंड इस चीज के बाद आप लोग अपने डाटा को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे पबजी मोबाइल से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर कुछ टाइम के लिए, जब तक ये सर्विस ऑफ रहने वाली है। एंड इसके रिलेटेड उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल भी दिया है, तो चलो मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहाँ पे न्यूज सेक्शन में एक नया नोटिस आया, बिल्कुल अभी भी आया, जहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस ऑन टेम्परेरी शटडाउन ऑफ डाटा ट्रांसफर। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। स्टार्टिंग में उन्होंने यही लिखा हुआ है, डियर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया फैंस, एंड नीचे यहाँ लिखा हुआ है, करंटली क्राफ्टन इज प्रोवाइडिंग डाटा ट्रांसफर सर्विस इन ऑर्डर टू सेफ्टी सिक्योरिटी द डाटा ऑफ फैंस ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे नीचे इन लोगों ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डाटा ट्रांसफर क्या है, जो कि आपको पता ही है कि हम लोग पबजी वाले से अपने डाटा को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड उसके रिलेटेड ही यहाँ पे ये लोग हमें प्री रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड्स वगैरह भी देंगे, ये सारी चीजें अपने को पता है। लेकिन यहाँ पे देखो जो मेन चीज अभी अभी इन लोगों ने इसमें ऐड की है, जहाँ पे लिखते हैं, मेंटेनेंस विल बी प्रोसीड ऑन द डाटा ट्रांसफर सर्विसेज अकॉर्डिंगली, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द डाटा ट्रांसफर सर्विस विल बी टेम्परेरी शट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड। एंड नीचे इन्होंने लिखा हुआ है टेम्परेरी शट डाउन और डाटा ट्रांसफर प्रोसेस, एंड इन्होंने पीरियड भी लिखा हुआ है, जो कि जुलाई 6 से लेके अंटिल जब तक इनका नेक्स्ट नोटिस नहीं आता। तो 6 जुलाई को आप लोगों को याद होगा बैटल ग्राउंड्स वाले इंडिया का आज तक का सबसे मैसिव अपडेट आने वाला है, जिसके अंदर पूरी गेम लगभग काफी हद तक चेंज हो जाने वाली है। बहुत बड़ा अपडेट है। एंड मुझे लगता है इसी रीजन की वजह से इन लोगों ने जो डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है ना, इसको भी कुछ टाइम के लिए रोक दिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी लोड पड़ सकता है गेम के ऊपर, कहां इतना बड़ा अपडेट भी आएगा उसको भी संभालना होगा, एंड साथ ही साथ डाटा ट्रांसफर करने का भी लोड पड़ता ही होगा दोनों सर्वर्स पे। बट यहाँ पे अच्छी खबर ये कि अगर आप लोग चाहो आज के दिन से 6 तक, मतलब जो आपको 3-4 दिनों का बीच में स्पैम मिल रहा है टाइम का, आप लोग तब तक चाहो तो अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन 6 जुलाई के बाद आप लोग नहीं कर पाओगे, पता नहीं कब तक नहीं कर पाओगे, हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है 1 दिन लग जाए, या फिर हो सकता है हफ्तों भी लग जाए। तो इतना रिस्क मत लो यार, आप लोग जाके अभी ट्रांसफर कर लो, क्योंकि ऑफिशियल रिलीज तो हो भी चुकी है। एंड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि डाटा ट्रांसफर कैसे करना है, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसको देखने के बाद आप लोग काफी इजीली डाटा ट्रांसफर कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड मेक श्योर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं उसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टेंगो, बाय बाय।